नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। मोदी सन स्क्वायर, जी हां, जो कल मेडिसन स्क्वायर था वो मोदी सन स्क्वायर में नजर आ रहा था। बात इसी की हम करेंगे, प्रधानमंत्री के सपनों के भारत की। मोदी ने अपने सपनों के भारत में जहां गरीबी खत्म करने की बात कही, वहीं शौचालय, स्वच्छता और गंगा की सफाई को इसके लिए अहम बताया। मोदी मोदी की गूंज के बीच मेडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत वंशियों के बीच अपने सपनों के भारत की झलक दिखलाई। यह ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें हैं जो भारत का भाग्य बदलने वाली है। मोदी के सपनों के भारत में गांधी का मंत्र था, देश के गरीब से गरीब लोगों के उद्धार का संकल्प था, देश से बेरोजगारी दूर करने को लेकर सटीक दृष्टि थी। बदलेगा भारत 2022 तक सबको घर। भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी कहने लगा है कब तक ऐसे जिएंगे। वो बदलाव चाहता है कि 2022 में जब भारत के 75 साल हो, तब तक हमारे देश के कोई परिवार ऐसा ना हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। मेडिसन स्क्वायर में मोदी 2022 के भारत की छवि पेश कर रहे थे। स्वच्छ भारत की बात करते मोदी ने अपने सपनों के भारत को महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत से जोड़ा और साकार करने का वादा किया। स्वच्छ भारत का निर्माण, क्या हम 2019 में जब गांधी की 150वीं जयंती आए, तब महात्मा गांधी के चरणों में स्वच्छ साफ सुथरा हिंदुस्तान के चरणों में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? जाहिर है, इसके लिए मोदी ने सबसे पहले पूरे देश में टॉयलेट बनाने की बात कही। कमी नहीं रखेगी। पूरे देश में शौचालय, इन दिनों मैंने एक अभियान चलाया, सफाई का अभियान। लोगों को लगेगा कि प्रधानमंत्री को तो कितने बड़े बड़े काम करने चाहिए। ये काम कोई प्रधानमंत्री को करने वाले काम है? भाइयों, मैं नहीं जानता हूं करने वाले है या नहीं है, लेकिन मैंने तय किया है मैं टॉयलेट बनाने का काम करूंगा। लेकिन आप वही गंगा की सफाई को प्रधानमंत्री ने पर्यावरण से तो जोड़ा ही, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े होने की बात कहना भी भारत वंशियों के बीच भूले नहीं। मोदी ने गंगा सफाई पर अब तक हो चुके करोड़ों रुपए खर्च की बात भी कही। देश के 40% लोगों की आर्थिक गतिविधियों को गंगा से जोड़ते हुए इसके सफाई के महत्व को भी बताया। गंगा की सफाई, मेरी 125 करोड़ देशवासियों की गंगा के प्रति जो आस्था है, उस आस्था में मेरी भी आस्था है। और गंगा की सफाई ये सिर्फ आस्था से जुड़ा हुआ विषय तक सीमित नहीं है। आज दुनिया में क्लाइमेट को लेकर के जितनी चिंता होती है, पर्यावरण को लेकर के जितनी चिंता होती है, उस दृष्टि से भी गंगा की सफाई आवश्यक है। मेडिसन स्क्वायर में 20,000 लोगों के बीच करीब 90 मिनट तक मोदी ने अपने सपनों के भारत की बात की और इस नए भारत के निर्माण में भारत वंशियों से उनके योगदान की अपील की। सिर न झुकने देने का वादा, हम ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेंगे जिसके कारण आपको नीचा देखने की नौबत आए। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह वादा भी किया कि कभी उनका सिर झुकने नहीं देंगे। हमारे देशवासियों के राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल के साथ गौरव सावंत, न्यूयॉर्क आज तक। मेडिसन स्क्वायर में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। रंगारंग कार्यक्रमों के बीच अमेरिका और भारत के बीच की दूरी खत्म हुई। समंदर पार हिंदुस्तान की संस्कृति खिल उठी।
शानदार आगाज, भव्य शुरुआत, विदेशी जमीन पर ये मेरा इंडिया की गूंज कुछ ज्यादा ही मोहक लग रही थी। मेडिसिन स्क्वायर में गुजरात की गरबा दिखी, तो दूसरी तरफ डांडिया भी। नवरात्र के दौरान इससे बेहतर और क्या हो सकता था। फिर घूमते स्टेज पर समा बांधा वायलिन उस्ताद डॉक्टर एल सुब्रमण्यम और उनकी सिंगर पत्नी कविता कृष्णमूर्ति ने। दोनों माहौल को संगीतमय बना रहे थे और रंगों के एक जादूगर कैनवस पर कुछ अजूबा कर रहे थे। मंच पर छाने लगा बॉलीवुड का सुरूर। और फिर जब वैष्णो जन के गीत सुनाई पड़े तो लगा कि गांधी का दौर उस अमेरिका में आ गया जहां वो कभी गए ही नहीं। गानों पर भारतीयता इस तरह रंग बिखेर रही थी मानो दिल्ली और न्यूयॉर्क में कोई फर्क ही नहीं रह गया हो। मोदीमय हुए 18,000 दर्शक बस मंत्रमुग्ध होकर एक टक मंच को निहार रहे थे। राहुल कंवल, न्यूयॉर्क आज तक।
मेडिसन स्क्वायर में मोदी ने अपने सपनों के भारत की झलक दिखलाई। प्रधानमंत्री ने सपने के भारत को साकार करने के लिए योगदान भी मांगा और फिर भारतवंशियों को तोहफा देकर हर किसी का दिल जीत लिया। मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूं, शायद इतना प्यार हिंदुस्तान के किसी राजनेता को नहीं मिला। मेडिसन ने अमेरिकी भारतवंशियों का प्यार देखकर गदगद हैं मोदी। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आखिर होते भी कैसे नहीं, पहले दिन से ही ये भारतवंशी दिल में भारत को समेटे हर जगह स्वागत में पलक पावड़े जो बिछाए रहे। लाजमी था निवेश की अपील के साथ मोदी ने सिर न झुकने का वादा तो किया ही, सौगात देना भी नहीं भूले। हम ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेंगे जिसके कारण आपको नीचा देखने की नौबत आए। कि आउटसोर्सिंग जो सर्विसेज हैं उसका दायरा बढ़ाया जाएगा ताकि आपको ज्यादा समय न जाए, ज्यादा कठिनाइयां न हो और सरलता से आपको वीजा प्राप्त हो, ये साफ साफ आपने कहा है और मुझे विश्वास है। प्रधानमंत्री ने अमेरिका में रहने वाले भारतवासियों और भारतवंशी अमेरिकी से जुड़े अलग अलग वीजा नियमों को खत्म कर एक स्कीम में लाने का भरोसा दिया। OCI स्कीमों के प्रावधानों में फर्क होने के कारण भारतीय मूल के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ ही महीनों में हम PIO तथा OCI स्कीम्स को मिला करके एक बना देंगे। तो वहीं भारत में लंबे समय से रह रहे अमेरिकी भारतीयों को पुलिस के चक्कर से निजात दिलाने की बात भी कही। जो लंबे समय तक हिंदुस्तान रहते हैं उनको पुलिस थाने जाना पड़ता है, अब उनको पुलिस थाने जाना नहीं पड़ेगा। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक तरफ मोदी भारतवासियों को सुविधाओं की सौगात दे रहे थे तो दूसरी तरफ मोदी के हर गिफ्ट के साथ मौजूद लोगों का प्यार देखते ही बन रहा था। पक्का करोगे? एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता के इन पलों के बीच मोदी ने एक ऐसे तोहफे की बात की जिसके ऐलान के बीच में ही अमेरिकी भारतवासियों की खुशी देखने लायक थी। बिना किसी कठिनाई के अमेरिकी टूरिस्ट भारत की यात्रा कर सके, इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन तथा वीजा ऑन अराइवल की सुविधा को बहुत ही निकट भविष्य में इसको भी लागू कर देंगे। मेडिसन स्क्वायर से देश के नए नायक ने भारतवंशियों के बीच महात्मा गांधी के अप्रवासी होने की बात कही, अप्रवासी होकर देश को आजाद कराने की बात कही और इन सब के बीच अगर नए भारत के निर्माण में योगदान मांगा तो उन सभी सौगातों का ऐलान किया जिसकी जरूरत अमेरिका में रहने वाले भारतीयों और भारतवंशियों को थी। राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल के साथ गौरव सावंत, न्यूयॉर्क आज तक।